हेलो भाई, हैप्पी न्यू ईयर। हेलो गाइस, विश यू अ वेरी वेरी ग्रेट ईयर 2024। मैं चाहती हूँ कि आपका बहुत ही अच्छा जाए और आप जो जो करना चाहते हो सब कर पाओ। दूसरों को भी करने दूँ? क्यों, कौन किसको करने से मना करता है? ये क्या बात होती? समझ रहे है? There is no double meaning किसी को बाइक लेनी हो लेने दो, किसी का अगर न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो कि इस साल में बाइक लूंगा। तुम तो मेरे गुलाम हो ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं सैड न्यू ईयर। मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद हम हंसने वाले हैं, तो सैड तो कतई नहीं होने। एरोप्लेन वाली देखी थी हमने। ओए ओए, क्या मजेदार थी यार। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो जी। पूजा, पहले तुम इतनी टॉक्सिक नहीं थी, अब क्या हो गया? अब एकदम से कैसे तुम चेंज हो गई? नहीं नहीं सर, क्या आ गई है, दिखाई नहीं दे, लड़ाई हो गई, क्या हो गया? लो मजे बैठो तुम। नजारा देखो, आओ। अच्छा, टॉक्सिक हम है, हम टॉक्सिक है। अच्छा ऐसा है, सीधा दुकान पे चली आओ 2 मिनट में, नहीं गरम खौलती चाय में आत्मदाह कर लेंगे, अभी आत्मदाह कर लेंगे, बता दे रहे, तुरंत 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर आओगी। यार आई मस्ट से गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ चाय का ठेला। मेरी चाय फेवरेट है तो चाय का ठेला। और कितने सुंदर कपड़े बनाए हैं यार, कलर कॉम्बिनेशन विंटर, ओहो माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। टोपिया शोपिया पिटेगा, गरम बहुत है, बॉम्बर जैकेट पहनी भी बहुत है, इतना धुंध बनाई है भाई, आंखें देख लो, बारिश भी बहुत है। क्या हो गया भैया, काहे कट्टे मरे जा रहे? अभी आ रही महारानी, पूछ ले न, तर जाना जान के सब कहानी, तुमको सब जानना है। भैया जानने वाली बात नहीं, लेकिन नए साल में लड़ाई करोगे हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन, तो पूरे साल लड़ते ही लड़ते बीतेगा। अरे यार काहे हैप्पी न्यू ईयर यार, हमारा हमारा सैड न्यू ईयर है, सैड न्यू ईयर जो हुआ है हमारे साथ कल। नहीं कुछ भी है भैया, साल का नया दिन एकदम प्यार मोहब्बत से मनाना चाहिए, जैसे हमारा देख लो। हाँ। हुआ क्या है? हर नया साल एक नया बच्चा पैदा होता है। नहीं तो क्या, डिलीवरी लगी 1 जनवरी को। अच्छा अब तुम्हारी मम्मी आ गई, वाह, कल तक मम्मी की फालिस मार गई थी, अब चलने लगी तुम्हारी मम्मी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये पिट जाएगा चस्का। अच्छा अब एक नई बात बता रही हूँ, ऊपर ऊपर फालिस मारी, नीचे से चल नहीं, दौड़ रही होंगी तुम्हारी मम्मी, बहुत बढ़िया, ऐसा है सीधा 2 मिनट में चली आओ। नहीं बोलेगा क्या? 1 सेकंड होल्ड करना। नहीं खत्म हो रही इनकी, ऐसा लग रहा जैसे सुअर चाय पी रहा। हेलो, हम कह रहे 2 मिनट में आओ पूजा, नहीं हम चाय मिला देंगे, जहर और सब कस्टमर को चाय पिला देंगे और जेल चले जाएंगे, बता दे रहे 2 मिनट में। क्या हो रहा भैया? हंसी ठिठोली हो रही, हंसी ठिठोली, हम मुजरा कर रहे हैं, ये लोग पैसे उड़ा रहे हैं, होठा है। हम तो बताने आए थे कि पूजा थी हमारे घर में, तो तुम्हारे घर में पूजा थी? अरे पूजा आरती, पूजा पाठ कर रहे थे ना हम। क्या कर रहा था पूजा के साथ? छेड़ रहे थे पूजा को। पड़ी चपेड़ का। अबे कैसे कस्टमर है यार, तो चाय वाले भैया से चपेड़े खा रहे हैं। देखो थप्पड़ पड़ी गवा, पड़ी गवा, नए साल में थप्पड़ पड़ा पहले दिन, तो पूरे 365 दिन थप्पड़ है थप्पड़। लो तुम भी लो। क्या नहीं खत्म हो रहा ज्ञान। ब्राउन स्वेटर वाला सुस्की बीमारी पूरी पी गई, निकल गई एकदम ठंडी चाय, वही तो आ गई वो पूजा। जैसे तू आ गया शॉपिंग से पहले, क्या बताओ आ गए हम। अरे आओ देवी महारानी, तुम आ गए तो बहुत सारे लोगों के प्राण बच गए, आई देख लियो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे हुआ क्या यार, यही तो सब लोग जानना चाहते हैं, बताओ जल्दी। अरे देखो हुआ कुछ नहीं था। वाह कुछ नहीं हुआ, कितना एग्जैजरेट, बिल्कुल इसकी तरह कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ है, हम तो 65 साल से बर्फ में दबे लेटे, हम कैप्टन अमेरिका है देखो। बताओ भैया टॉक्सिक है कि नहीं है? हुआ क्या था यार, रेड फ्लैग दे,
आप तो बता दो। हुआ ये था कि कल हमने इनको 12:06 पे हैप्पी न्यू ईयर विश किया तो फूल गए कि हमको 12 बजे क्यों नहीं विश किया। अच्छा और ये ना बताना कि पूरा 6 मिनट 360 सेकंड तक तुम ऑनलाइन रही और किसी से बतिया रही थी, वो ना बताना, वो घोट के पी जाना घोट के पूरा। अरे यार बतिया रहे थे तो क्या 12:06 पे विश नहीं किया, उसके बाद इन्होंने हमको हैप्पी न्यू ईयर की जगह पे सैड न्यू ईयर सैड न्यू ईयर सैड न्यू ईयर कम से कम 400-500 मैसेज सैड न्यू ईयर के किए होंगे। हमारा मोबाइल अरे तो क्या हो गया यार, क्या हो गया, अब नाचेगा फिर से, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। हेलो मनोज, तेरे गरम चाय वाले की आज मजा बहुत आ रही। हमें बस ये बताओ किससे बात कर रही थी तुम। अरे धुनू से बात कर रहे थे, वो किससे बात कर रहे हैं? पीटो धन्यू। अरे अरे हम नहीं भूल गए यार, हम क्या बात करेंगे, हम शादीशुदा 4 बच्चे हैं यार, बाल बच्चे वाले आदमी। क्या कह रहे थे ये कह रहे थे नए साल में नया पार्टनर बना लो, हम नए बन जाएंगे, विश्वास ना हो तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हमने तुमसे क्या मतलब, तो बोले सीने में जो दब गए हैं जज्बात क्या कहे, खुद ही समझ लीजिए अब हर बात क्या कहे। वाह अरे अरे हमने कुछ नहीं कहा, मजाक हो रहा है, हमको पूरा फसाया गया, हमको इस मैटर में फसाया गया, हम कुछ नहीं। भैया देखो ऐसा है, ये लो मोबाइल, लो मोबाइल लो, तो चैट पढ़ो हमारी, हमने अगर चैट में कुछ ऐसा लो 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 iPhone 15 लेके खड़ा है ओ भाई बेवकूफ आदमी। अरे भैया हम बेवकूफ है, हम सच में बेवकूफ है, हर जगह फंस जाते, पता नहीं कहां फंस जाते, हर जगह हम फंस जाते। कम से कम चैट तो डिलीट कर लेते गधे। गया गया ये, ओए ओए ये चाय तो उड़। यार हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू वेरी मच। और हाँ मतलब ए, आगे भी है, क्या कर रहा है यार तू, धुनाऊ तो धुन दिए गए, अब क्या होएगा? कुछ भी होएगा लेकिन धुनाऊ का अगले साल बच्चा नहीं होएगा। ओके गुड वन, ओके आई लाइक जैसे हमें हमेशा ही अच्छा लगता है, और MGO की सारी वीडियोस, और अच्छा लगा हमें कि हैप्पी न्यू ईयर पे छोटा सा एक मसाला हमें मिला देखने को, तो इट इज़ नाइस। जल्दी आई ये वीडियो दोबारा, तो दैट्स हाँ बोनस है ना ये, तो फिर ये एक छोटा सा मुझे लगता है उन्होंने जल्दी फटाफट निकाल दी, बट वेरी ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ अ चाय का ठेला इन आईफोन 15 लेके, जो बंदा चाय के ठेले में चाय पी रहा हो ना, बट ये कितना रिलेटेबल होता है, क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती है ना तो ऐसे ही होता है, जो बंदा जिस बंदे को अपने दिमाग में लग रहा होता है ना कि मैं सही हूँ, और हमारे घर में हमेशा ये इसको यही लगता है कि यही सही है और मैं गलत हूँ, तो ये ना ऐसे ही ओवर एक्टिंग करता है, जैसे वो कर रहा है ना, जैसे मैं नाच रहा हूँ, मैं एग्जैजरेशन ऐसे ही करता है छोटी छोटी बातों पे, ताकि दूसरे बंदे को लगे कि मैंने किया क्या। आधा टाइम तो मैं भूल ही जाती हूँ कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जिस पे इतना ताबड़तोड़ रिएक्शन आ रहा है, तो रिलेटेबिलिटी के तो पूरे 100 नंबर मिलते हैं मेरी तरफ से। मुझे लगता है सौरभ शुक्ला, वैसे सौरभ शुक्ला के पास आइडिया की कमी नहीं है, बट मुझे लगता है वो हमारी रील्स देख रहा है आजकल, और वहाँ से आइडिया लेके वो यहाँ पे रिलेटेबल बना रहा है, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी रिलेटेबल है। और अगर आपको भी वैसी वाली रील्स देखनी है तो हमारे नीति एंड रमन इंस्टाग्राम पे आओ, तो आपको पता लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, न्यू ईयर वाली भी एक रील डाली है हमने, जहाँ पे इसकी असलियत पता लगी है, या, कि बच्चा कितनी दुखी है। नहीं अब क्या बोले, ये मार पिटाई ज्यादा दिखाते हैं, मतलब वो क्यूट, वो तो ओवर एग्जैजरेशन होती है जो हम भी करते हैं अपने कंटेंट में, बट ये सारा का सारा मतलब एक पूरा सीन जो बनाया, धुंध बनाई है, चाय आगे बिस्किटों के वो डब्बे, मार पिटाई की बात इसलिए कर रहा था कि मेरे को लोग डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे, हम लोग क्योंकि रील्स बनाते हैं, लोग डीएम भी करते हैं कई बार, 2-4 बार करते हैं, तो वो दोस्त बन जाते हैं डीएम फ्रेंड्स, तो वो लिखते हैं कि भैया मेरे को तो डर लगता है मैं शादी ना करूं, मैं ऐसे कपल वपल की रील देखता हूँ, पिटते हैं लोग। मैंने बोला भैया ऐसा कुछ नहीं, बेलन वेलन ये वो मुंह पे आटा वाले जो रील्स आते हैं, मैंने उसको बोला भाई ठीक है लगी रहती है, मगर ये नहीं है कि आप पिटोगे, समझ गए।